हाँ गाइस, वेलकम बैक टू डे 107 आई गेस। आज 107 या 106वां दिन होगा और फीलिंग नाइस। ठीक है, आज है एक फुल डे, कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज नहीं है, तो बढ़िया वर्कआउट करेंगे। और हाँ, इतना कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है। बाकी मेन मूवमेंट्स तुम्हें पता है, दो रोइंग, दो लैट पुल डाउन लेंगे, दो पुलिंग, हाँ जो भी है। ठीक है, और बाइसेप्स मैं सोच रहा हूँ सीबम का पुल वर्कआउट करूँ। हाँ, क्योंकि उसमें ज्यादा भी हम अपने अपने बैक को ज्यादा भी ट्रेन नहीं कर रहे हैं और ज्यादा बाइसेप्स को भी नहीं, और वो एक अच्छा पुल डे है, तो आज वही करते हैं। या किसी और अच्छे बॉडी बिल्डर का देखता हूँ। तो हाँ, वी आर गोना पुश पास्ट आवर लिमिट्स, बढ़िया पुल करेंगे आज और एक बढ़िया बाइसेप्स वर्कआउट। हाँ, बाकी आई हैव ईटन नाइस कैलोरीज टुडे इन माई ओपिनियन। सुबह उठते ही मैंने दो आलू के पराठे, अपना शेक, आज मैं अपना गिव शेक भी लेके आ रखा हूँ। सो ठीक, वर्कआउट खत्म होते ही उस गोना सिप दैट प्रोटीन। मी मेरे हिसाब से, मैं साइंटिफिक वे में नहीं कह रहा, बट वर्कआउट खत्म होते ही बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, और उसी टाइम अगर तुम कोई चीज खाओगे तो 1 सेकंड में पच जाएगी। अब इससे वर्कआउट के बिना भी नहीं, तुम 5-6 घंटे कुछ मत खाओ, एनी अमाउंट ऑफ फूड यू विल ईट, उसका 70-80% उसी टाइम डाइजेस्ट हो जाएगा। तो भाई, इससे बढ़िया चीज क्या है। अब उस घर जाने के सफर में 20-25 मिनट होंगे, तो बढ़िया मैं घर जाके भी खाली पेट से फील करूंगा, तो और खा पाऊंगा। दैट्स हाउ यू टेक मोर कैलोरीज इन, दिमाग से चलो। हाँ, बाकी बढ़िया पुल डे करते हैं और हाँ, जिम में मिलते हैं। तो आज की मेरी पुल डे की पहली मूवमेंट है लैट पुल डाउन, बट स्टार्टिंग के 2 सेट मेरे वार्म अप रहेंगे, तो उसमें मैं कम वेट पे नीचे 2 या 3 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम बहुत तगड़ा फील हुआ था उसपे। तो हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, 2 सेट वार्म अप के और 2 सेट हम लेंगे एक हैवी वेट पे। ये वार्म अप सेट ही मेरा एक लो रेप्स, लो वेट और हाई इंटेंसिटी की तरह काम करेंगे, तो मैं स्ट्रैप्स अभी नहीं पहन रहा, बट तुम देखना हाउ आई विल टेक दैट। थोड़ा सा हल्का हो गया, मैं बस बहुत माइनर सेकंड्स के लिए पॉज करूंगा। इससे मुझे ना एक तरीके से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता है। आई कैन फील कि कहाँ मेरी बैक स्ट्रेच हो रही है और कहाँ मेरी बैक बहुत सवरे जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो हाँ, एक सेट इसका और, एंड वी विल पुश टू हेवी, नहीं जाना बट इस तरीके का ही ट्रेन करूंगा। मेरे अभी तक के 2 सेट में बहुत तगड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई थी और मेरे लैट्स अच्छे खासे वार्म अप हो चुके। तो हाँ, अब मैं कोशिश करूंगा कि जो अब वेट है 103, इस पे मैं 3 या 4 रेप ऐसे ही पॉज करने की कोशिश करूँ और फिर बाकी के रेप में सोचूं शूट कीजिए। दोनों तरीके ट्रेन करने के तगड़े हैं, तो मैं जिस पर ज्यादा मजा है वो करूँ। तो हाँ, मैं 3 रेप तो ट्राई करूंगा, पूरा होल्ड करूँ 1 सेकेंड के, बाकी देखते कैसे आता है। Yeah.
मतलब बहुत टाइम से एक नैरो ग्रिप पे ट्रेन कर रहा हूँ, तो आज मन कर रहा थोड़ा वाइट खेलूं, क्योंकि इतना भी नैरो 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 हो गया, मतलब 2 महीने हो गए जितना आई गेस सबसे नैरो ही कर रहा हूं। तो हाँ, 2 सेट और लास्ट सेट ड्रॉप लेंगे, दोनों पे थोड़ा वाइट पकड़ूंगा और ऐसे ही लेते हैं लास्ट सेट। और 124 से मैं ड्रॉप करूंगा 103 और 61 या 68 पे, ताकि एक अच्छे इंटेंसिटी पे ट्रेन कर पाऊं और रिप्स कम ना मारूं, क्योंकि 124 में निकलेंगे 5-6 रेप और उसके बाद के रेप पीछे आए, तो हाँ लेते हैं और वाइडर ग्रिप पे। फ्लैट पे डाउन खत्म, आपको इसी पे पुलिंग मूवमेंट ढूंढते और उसे करते हैं। मैं बोर हो चुका मशीन से, तो देखते क्या करेंगे। हाँ, सो मैं 5 मिनट से बैठ के सोच रहा था कि कौन सी मूवमेंट लू पुलिंग, बट पुलिंग मूवमेंट यार दिमाग में आई नहीं। डंबल या बेंट ओवर लूंगा तो मेरी लोअर बैक सोर हो जाएगी और मुझे कल के लिए एकदम फ्रेश चाहिए, तो मैं मशीनों पर टिक पाऊंगा। तो हाँ, 5 सेट में लैट पुल कर लिए, अब 6 सेट रह रहे, सोच रहा हूँ बाकी केस पे निपटाऊँ और सीधा बाइसेप करते हैं और ट्राइसेप भी, क्योंकि ट्राइसेप करने की नीड है आज बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि ये वाली पहले, और इस वाली मशीन की ये प्रॉब्लम है कि इस पर मैं समझ नहीं पाता, अगर मैं इसको ऐसे लूँगा या इसको नीचे करके फिर लूँगा मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बट अभी जैसे करते हैं वैसे ही ले लेते हैं। और मेन इस पर भी हम लाइट वेट पर ही अच्छा ट्रेन करेंगे, मैं हैवी नहीं जा रहा, 85 या 95 टॉप सेट रखूंगा और 10 से 12 या 6 से 8 रेप की कोशिश रहेगी, डिपेंड्स ऑन द वेट, बट ट्राई करूंगा कि मैं रियर डेल्ट और अपर बैक अच्छे से ट्रेन करूं। तो हाँ, पहले सेट शुरू करते हैं। मजा आया बाकी की सेटअप इस वाली ग्रिप पे लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ी उससे पीछे है तो ज्यादा स्ट्रेच आएगा। और मन भर गया, मैंने इसके 2 सेट के लिए 7 सेट हो चुके हैं बैक के, नाउ 4 आर लेफ्ट और मैं
अब इस वाली ग्रिप पे लेंगे और थोड़ा वेट बढ़ाएंगे, बाकी बीइंग ऑनेस्ट मजा नहीं आ रहा इस वाली मशीन पे। भाई ऊपर वाले ग्रिप से तो 100 गुना बेटर थी, तो बाकी के साइड इसी पे लूंगा। हाँ तो मेरे 3 सेट और बचे थे, मैं वही मूवमेंट कर करके बोर हो गया था। तो मुझे एकदम से पता नहीं कहां से ध्यान आया कि मैं रोप पुल डाउन पता नहीं कब से नहीं कर रही, तो इसके 3 सेट करेंगे और फिर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। मैं साल में एक बार ही ट्रैप स्ट्रेन करता हूँ और आज कर तो रहा हूँ, बट स्मिथ मशीन में ट्रैप स्ट्रेन करना थोड़ा वियर्ड है क्योंकि खुद ही रॉड उड़ जाती है। बट कोई नहीं, 2 सेट करूंगा, उससे ज्यादा नीड नहीं है। अगर हमारे डेडलिफ्ट्स है तो अगर ट्रैप स्टोर रहेंगे तो ऊपर से पुल कैसे होगा, ठीक है। तो लास्ट सेट मान लो ये कर चुका हूँ। मैंने ना आज तक इंक्लाइन सीटेड डंबल कर्ल्स करी नहीं है, जब भी करी है तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बट आज मैं कर रहा हूँ। इसके 4 सेट लूंगा और मैं ट्यूटोरियल देख लिया हाउ टू परफॉर्म इट। बाकी ये है, सबसे वियर्ड चीज ये लगती है इसमें करते हुए कि तुम्हारी गर्दन, मैं लेटाऊंगा तब मेरे को दिखेगा नहीं, तो फिर मुझे ऐसे ही करना है और ऐसे ही करते हैं, थोड़ा वियर्ड है करना ये, बट आज करते हुए इस पर स्ट्रेस अच्छा आएगा पता क्या, इट्स बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज। ओके तो हाँ पहला सेट लेते हैं, देखते हैं। कुछ ज्यादा तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया,
सही में, और 12.5 केजी पे तो तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, अच्छी एक्सरसाइज है, अब इसी के ही 3 सेट और लेते हैं। फिसल मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं स्ट्रैप्स यूज कर रहा हूँ मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ जाए जा रही है, और अभी ईजेड बार कल फिसल रही थी हाथों से, जबकि मेरी ग्रिप ठीक ठाक है, पर पता नहीं क्यों। तो हाँ, जस्ट फ्लिक्स और बैक पंप जो जा चुका है। एक अच्छा बाइसेप पंप आया आज, मैं इज़ेड बार कर लेने नहीं वाला था, बट तुक्के से ले ली और सही लग रहा है। वी आर नॉट डूइंग ट्राइसेप्स टुडे, कॉज कल के लिए भी कुछ होना चाहिए, और कल स्क्वाट और डेड के बाद कुछ तो करना है ही, तो कल ट्राइसेप्स निपटाएंगे अपनी, बाकी देखा जाए तो बाइसेप्स आर गेटिंग बेटर। सो डिनर होने वाला है, और आज डिनर में था अराउंड 11 या 10 एग्स और 7 रोटीज, तो एक रोटी रह रही है और एग्स रह रहे हैं, इसे खा के एडिट करने वाला हूँ। बट आज का वर्कआउट अच्छा गया, पता नहीं कहाँ से मेरे को एकदम से दिमाग में आए पॉज करके डाइट पुट डाउन लेने का, बट वो उसके पॉज होने के बाद जब मैं ऊपर जाके वो जो स्ट्रेच फील करता हूँ अपनी बैक में, मुझे लगता है मेरी बहुत सारी मसल स्ट्रेच हो रही, तो मेरे को पर्सनली बहुत तगड़ा और बढ़िया फील हो रहा है उस पर, तो मैं उसे कर रहा हूँ।
उसके बाद मेरे बाइसेप्स भी बहुत अच्छे ट्रेन हुए आज, बहुत लंबे टाइम बाद। मतलब मुझे लग रहा था कि यार इंक्लाइन पे ट्रेन करना बढ़िया है भाई, फील बिग, ठीक है। मेरे हिसाब से बीइंग अ टॉल गाय, तुम्हारे स्किनी आर्म्स रहते ही रहते हैं, तो हैविंग अ नाइस बिग बाइसेप्स आर्म्स, उसी पे मेरा मेन गोल है। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो तुम्हारे ट्राइसेप बाइसेप से बड़े होते हैं, तो मैं तुम आई ट्रेन माई ट्राइसेप्स मोर देन 3 times, मैं कोशिश इतनी करता हूँ। एंड माई ट्राइसेप्स आर करेंटली माई दैट स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो हाँ बढ़िया चीज़ है। और ट्राइसेप पुशिंग मूवमेंट में भी काम आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हाँ बढ़िया, आज हमने खाया, बढ़िया हमने लिफ्ट करा आज। तुमसे मिलूँगा कल जो है स्क्वाट एंड डेड डे, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड आई हैव टू डू इट। हाँ मज़ा आएगा कल, और बहुत तगड़ा मज़ा आएगा। तो मैं बोलता हूँ सीधा कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।